बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि इस बार ही सर रिजल्ट चेक करें तो करें कैसे, क्या डिजी लॉकर में रिजल्ट अपलोड होगा, क्या हमको डिजी लॉकर की ऐप डाउनलोड करके वहां से रिजल्ट देखना है, या फिर हमारा जो नॉर्मल तरीका रहता है कि CBSE की वेबसाइट पर जाओ, रिजल्ट सेक्शन में जाके अपने एडमिट कार्ड से इंफॉर्मेशन जो भी है भरो, चेक रिजल्ट पे क्लिक करो और रिजल्ट सामने आ जाएगा, कैसे करना है, तो सारी चीजों का आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो में 2 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले तो डिजी लॉकर है क्या? डिजी लॉकर एक प्लेटफॉर्म है, बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है हमारे सरकार की तरफ से, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मेरे जैसे नागरिक होके जितने भी हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहां पे सेव्ड रहते हैं सरकार के द्वारा, ताकि हमको एक ऐसा क्लाउड मिल जाए, एक ऐसा स्पेस मिल जाए जहाँ पे हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हों और हम उनको रेफर कर सकें। ठीक है, तो सेम आपके लिए जैसे अब 10th के लिए रिजल्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपका आता है मार्कशीट आती है या फिर जो भी रिजल्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे के सारे CBSE के द्वारा ना डिजी लॉकर पे डाल दिए जाएंगे। अब आप इनको कैसे निकाल सकते हो, कैसे रेफर कर सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लो कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है और फिर डिजी लॉकर भी कैसे यूज कर सकते हो वो भी बता दूंगा। ठीक है, आपको अपना रिजल्ट नॉर्मली ही चेक करना है, कैसे? आप जाओगे cbse.nic.in पे, जैसे आप जाते हो, आजा भाई, तो देखो मैंने डाल दिया आप लोगों के सामने CBSE डाल दो खाली। यहाँ पे CBSE में आप लोगों को जाना है रिजल्ट्स वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट अपलोड होगा यहाँ पे लिंक दिख जाएगा, जैसे अभी 2022 का दिख रहा है, मतलब रिजल्ट आया नहीं है। यहाँ पे जाएंगे, आपको ऐसे करके सेक्शन दिखेगा, आपको ये सब चीजें फिल करनी है, सबमिट करना है, आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन अगर आप डिजी लॉकर की ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो आपके जितने भी रिजल्ट रिलेटेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो आपको एक जगह पे सेव दिख जाएंगे। उसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में बता देता हूं। तो आप अगेन CBSE की वेबसाइट पे आओगे, यहां पे आप लोगों को जाना है परीक्षा संगम पे। ठीक है, अब ये आपके स्कूल वाले करेंगे, आप नहीं करोगे। तो क्या किया जाता है, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ चलो, तो ये क्या होता है कि देखो यहाँ पे ना स्कूल्स वाला सेक्शन है, तो CBSE बोर्ड क्या करेगा, स्पेसिफिक स्कूल को हर बच्चे के लिए ना वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स देता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखो स्कूल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आता है स्कूल डिजी लॉकर एंड पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज, यहाँ पे आपके स्कूल वाले क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये सब मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। अब यहाँ पे ना हर बच्चे का यूजर नेम और पासवर्ड होगा जो आपको आपके स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे। अब जो ये आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा ना, प्लीज इसको बहुत संभाल के रखना। ठीक है, इसकी मदद से ही आप डिजी लॉकर में लॉगिन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पाओगे। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, जैसे हमारे पास आई, हमारे पास रिजल्ट का डॉक्यूमेंट आया, हम उसका क्या ले लेते थे, प्रिंट आउट ले लेते थे, अपने पास रख लेते थे। अगर अब आप प्रिंट आउट लोगे वैसे तो, क्यों आपको देखना है, बार बार ही देखने का मन करता है, लेकिन अगर आप नहीं भी लेते हो तो डिजी लॉकर में ना आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेव रहते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस ऑल्सो, कि अगर मान लो आपको 1 साल बाद 1.5 साल बाद वो आपका प्रिंट आउट कहीं खो गया, स्कूल से तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलते ही हैं, जैसे अभी तक जब डिजी लॉकर नहीं था तो हमको स्कूल से सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, हम उसको लैमिनेट करा के अपने पास रखते थे। लेकिन अब सरकार ने ऐसा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिससे आपके जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं रिजल्ट रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पे सेव्ड रहते हैं। तो अगर आप भूल जाते हो या कहीं खो भी देते हो मान लो, तो भी आपके पास यहाँ पे रेफरेंस के लिए सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। ये पर्पस है डिजी लॉकर का। सो द आंसर इज़, क्या डिजी लॉकर नेसेसरी है रिजल्ट चेक करने के लिए? नहीं, डिजी लॉकर पे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देगी CBSE फॉर फ्यूचर पर्पस, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जब भी आपको जरूरत पड़े आप डिजी लॉकर के लॉगिन को यूज़ करके अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो। आई होप इस वीडियो ने आपकी सारी कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया होगा। टिल देन गुड बाय, और जैसे ही रिजल्ट आएगा जरूर जुड़ना, सबसे पहले आपको इसी चैनल पे वीडियो मिलेगी रिजल्ट से रिलेटेड। बाय बाय, टेक केयर गाइस।